नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एक सिपाही क्यों मरता है बार बार, गृह मंत्री नहीं दे पाए जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सफदगंज एयरपोर्ट पर बीएसएफ के क्रैश प्लेन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिवार की एक बच्ची राजनाथ सिंह से बार बार यही सवाल पूछ रही थी कि एक सिपाही क्यों मरता है बार बार, बीएसएफ में क्यों 20 साल पुराना विमान इस्तेमाल किया जा रहा था। राजनाथ सिंह इन दोनों सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उल्लेखनीय है कि मंगलवार की सुबह दिल्ली से रांची जा रहा बीएसएफ का एक 8-सीटर विमान उड़ान भरने के 10 मिनट के भीतर ही क्रैश हो गया था, जिसमें सवार 3 पायलट समेत 10 जवानों की मौत हो गई थी। आईएस में शामिल होने जा रहे युवक को पुणे एटीसी ने पकड़ा। आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक व्यक्ति को पुणे से हिरासत में ले लिया है। वह मुंबई के उन 3 युवकों में से है जिनके आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की आशंका थी। सूत्रों के मुताबिक पुणे की एटीएस इकाई के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद उसके परिजनों को उसे सौंप दिया गया। अधिकारियों ने यह साफ किया है कि वह अभी युवक के नाम का खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यह सुनिश्चित नहीं है कि वह लापता हुए 3 युवकों में से एक है या नहीं। मलेशिया की पहले शरिया एयरलाइंस लॉन्च, एयर होस्टेस पहनेंगी हिजाब। रविवार को पहली बार इस्लामिक एयरलाइंस रयानी एयर लॉन्च की गई। मलेशिया में सबसे पहले उड़ान भरने वाली फ्लाइट ने कुआलालंपुर से रिजॉर्ट आइलैंड लंकावी तक अपना यह सफर तय किया, जिसमें 150 यात्री सवार थे। इस फ्लाइट में एयर होस्टेस हिजाब में नजर आई और यात्रा के दौरान शराब भी नहीं परोसी गई। इस एयरलाइंस में सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें दी जाने वाली सभी सुविधाओं को शरिया कानून के अनुसार ही ढाला गया है। रयानी एयर को उम्मीद है कि इस्लामिक नियमों का पालन करने पर आने वाले दिनों में हज यात्रियों के लिए उनकी एयरलाइंस पहली पसंद होगी।